अरे छोटू, ये स्कूटी तेज चला रही थी और न इसने हेलमेट लगा रखा था। अरे ये क्या मैडम, आपने शराब भी पी रखी है? आप लड़की होकर शराब पीती हो, आपको शर्म नहीं आती? आप एक बात बताओ हवलदार साहब, क्या आपने कभी शराब नहीं पी? हम पीते हैं, मगर तेरी तरह नहीं दिन में पिए, हम सिर्फ रात को पीते हैं। ये हुई ना बात हवलदार साहब, आपको शर्म नहीं आती आदमी होकर शराब पीते हुए, और वो भी रात को। बस बस, ज्यादा बकवास मत कर, चल गाड़ी के कागज निकाल। ओए छोटू, तुझे इन लोगों ने क्यों पकड़ रखा है? अच्छा, तो फैंसी ड्रेस के चक्कर में पुलिस की वर्दी पहन ली तो पकड़ के ले आए यहाँ पे। अरे क्या बकवास कर रही है, तू जानती है ये कौन है? सॉरी हवलदार साहब, सॉरी, ये आपका बेटा है ना? अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, सॉरी हवलदार साहब, सॉरी, गुस्सा नहीं, गुस्सा अकल को खा जाता है, ये आपका बेटा है ना? अरे ओ बेवड़ी, अरे ओ अक्कल की दुश्मन, ये हमारे साहब इंस्पेक्टर छोटू लाल जी हैं। ओके हवलदार जी, ओके, आई एम सो सॉरी इंस्पेक्टर साहब। अरे हवलदार, इस लड़की को किस अपराध में पकड़ा है? जनाब, ये लड़की शराब पीकर स्कूटी चला रही थी। अच्छा, मेरे होते मेरे इलाके में इतना बड़ा अपराध? जनाब, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? शराब पीना कोई अपराध थोड़ी ना, शराब पी के लड़ाई करना अपराध है, और लड़ाई तो मैंने किसी से की नहीं, ना लड़ाई ना, इसीलिए अपराध तो बनता ही नहीं। बस बस, ज्यादा बकवास मत कर, चल जा गाड़ी की कागज लेके आ। अरे हवलदार साहब जी, कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे पास गाड़ी कहाँ है जो उसके कागज दिखाऊंगी? मेरे पास तो स्कूटी है, स्कूटी। अरे ओ मेरी माँ, स्कूटी के कागज दिखा दे, क्यों मारे दिमाग की दही बनावे है? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका चलान काट दो, ये मेरा देश है। तो मैडम जी ये बताओ, कितने का चलान काटें? 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का या 5,000 का? क्विकली जल्दी बताओ। अरे भाई, इसका तो मोटा चलान कटेगा, ये बड़ी मोटी मुर्गी है। हवलदार साहब, मैं आप पे केस करूंगी, केस, आपको तो हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी घसीट के, समझे? आपने मुझे मुर्गी कैसे बोला? आपको पता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप बहुत बड़ा अधिकारी है, समझे? मुर्गी बोला तो बोला कैसे? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी हवलदार, तुझ पे तो केस करके ही रहूंगी। हाँ मैडम, इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। तो फिर ठीक है, सिर्फ एक शर्त पर इसे माफ करूंगी, बोलो मंजूर है? हाँ हाँ, हमें मंजूर है, बोलो क्या शर्त है? अगर आपका ये छोटू, सॉरी, आपका ये इंस्पेक्टर छोटू लाल मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा ना, तो फिर मैं इस हवलदार को माफ कर दूंगी। पूछना फिर तेरा क्या सवाल है? अरे जनाब, सवाल तो बस छोटा सा ही है, और अगर आपने सही जवाब दे दिया ना, तो फिर मैं इस पे कोई केस नहीं करूंगी। अरे पूछो, आपका क्या सवाल है? हमारे सर छोटू लाल जी इंस्पेक्टर बिल्कुल तैयार हैं। क्यों सर, ठीक कहा ना मैंने? आहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो फिर बताइए कि आदमी मांग क्यों नहीं भरता? अरे जनाब,
बता दो आदमी मांग क्यों नहीं बढ़ता, मेरी नौकरी बच जाएगी। मैडम जी इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर तुम्हें मेरे ना एक और सवाल का जवाब देना होगा, बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। तो फिर बताओ कि आदमी मांग क्यों नहीं भरता? मैडम जी आदमी एक बार मांग भरने के बाद भी सारी उम्र पछताता है, रोज रोज मांग भरने की हिम्मत कहाँ है बेचारे में। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ जवाब दो, कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब शादी वाले दिन आदमी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, उसके बाद तो बेचारे को मौका ही नहीं मिलता, पत्नी रोजाना अपने हाथ से खुद ही भर लेती है। अरे वाह तुमने तो एकदम सही जवाब दिया, लगता है अपनी पत्नी से परेशान हो। क्यों मैंने सही कहा ना? चलो अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, पूछो पूछो। तो फिर बताओ पत्नी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, लेकिन पति अपनी पत्नी के लिए कब व्रत रखता है? मैडम जी इस सवाल का जवाब तो मैं एक मिनट में दे दूंगा। हाँ हाँ तुम ही बता दो। तो सुनो मैडम जी, पति अपनी पत्नी के लिए उस दिन व्रत रखता है जिस दिन कई दिन के लिए पत्नी अपने मायके चली जाती है, तो खुशी के मारे बेचारा कई दिन तक खाना ही नहीं खाता, तो हुआ ना पति का पत्नी के लिए व्रत। अरे वाह हवलदार साहब एकदम सही जवाब दिया तुमने, मेरा तो दिल खुश हो गया, अब मैं तुम पे केस नहीं करूंगी। तो मैडम जी इस खुशी के मौके पर मेरे भी एक प्रश्न का अगर आप उत्तर दे दो तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ तो पूछो ना, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैडम बोलो फिर तुम्हारी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है कि अगर मैंने तुम्हारे प्रश्न का सही जवाब दिया ना तो फिर तुम मुझे स्कॉच की एक पेटी दोगे, बोलो मंजूर है? हाँ हाँ हमें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो फिर बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैडम मेरी शर्त ये है अगर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो आपको हमारे सर छोटू लाल जी से शादी करनी पड़ेगी जो आज तक कुंवारे हैं, बोलो शर्त मंजूर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, गुलाबों ने हार मानना कभी सीखा ही नहीं, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो मैडम मेरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध देता है? साहब आज शाम की पार्टी पक्की? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक बार इस फुलझड़ी से शादी तो होने दे। क्यों मैडम मालूम नहीं, तो तैयार हो जाओ हमारे साहब से शादी करने के लिए। बड़े भाई दो वरमाला और एक मिठाई का डब्बा जल्दी से लेके आओ। अभी लेके आया छोटे भाई। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, भला ऐसा कौन सा पक्षी है जो दूध देता है तुम ही बताओ। तो सुनो मैडम जी चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो दूध भी देता है। नहीं मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं करती। तो फिर किसकी बात पर विश्वास करोगी तुम? पब्लिक पर। वो कैसे? पब्लिक कमेंट करके बताएगी कि इसने जो जवाब दिया है वो सही है या फिर गलत। बहन और भाइयों कर दो कमेंट्स, आज तक मैं कुंवारा हूँ, करवा दो मेरी शादी। लो मैडम जी जयमाला, और डाल दो मारे साहब के गले में और बन जाओ इसकी दुल्हन।
अरे हवलदार साहब, अब ये फैसला तो पब्लिक करेगी, क्यों? दर्दे दिल दर्दे जिगर, दिल में जगह आया आपने। पहले तो मैं शायर था, शराबी बनाया आपने आपने। भाई साहब, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हैं? बहन जी, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी। पति कैसे हैं आपके? अच्छे हैं, इसलिए तो शादी की है। घर में बच्चे हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। टीवी है घर पे? हाँ। चलता है? अब टीवी होगा तो चलेगा ही ना, खराब टीवी कौन रखता है? स्टार प्लस चलता है उसमें? हाँ। जी सिनेमा? जी सिनेमा वो तो मेरा फेवरेट चैनल है। और कलर्स टीवी? हाँ, कलर टीवी भी चलते हैं उसमें। केबल है घर में? भाई साहब, केबल नहीं होगी तो टीवी कैसे चलेगा? एंटीने का टाइम थोड़ी ना आजकल। केबल पे फिल्में लगती है? हाँ, आती हैं। आती? कितनी फिल्में आती हैं? दो आती हैं। दो आती? पांच क्यों नहीं आती? ये तो केबल वालों की मर्जी है ना। भाई साहब देखिए, आप मुझे ये पता बता दीजिए, मेरा टाइम खराब हो रहा है प्लीज। मैडम जी, आप मुझे पहले ये बताओ, आप आई कहाँ से हो? दिल्ली से। बहन जी, आप बस में आई हो या कार में? बस में आई हूँ। बस में? कार में क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी, आप प्लीज ये मुझे पता बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अच्छा, आप जिनसे मिलने आई हो वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मामा जी हैं। मामा जी? मामा जी लगते हैं। सगे हैं या मुंह बोले? वो मेरे मुंह बोले मामा जी। सगे क्यों नहीं है? देखिए भाई साहब, आप मेरा ना दिमाग मत खराब कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे बस जल्दी से ये पता बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। आप इनके घर रुकोगे या आज ही वापस जाओगे? मैं मिलके वापस जाऊंगी। तो रुकते क्यों नहीं? मेरी मर्जी, मैं रुकूं या जाऊं, आप पागल हो क्या? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ये एड्रेस बता दीजिए, मुझे देर हो रही है। पागल मैं नहीं, पागल आप हो। मैं? वो कैसे? वो ऐसे, मैं भी इस जगह पे नया आया हूँ, पिछले 3 घंटे से ये एड्रेस सबको पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। पहले से मैं परेशान था, एक परेशानी और गले पड़ गई। अरे माय डियर फ्रेंड पंडू, आ यार, मैं तेरा ही वेट कर रहा था। खुशखबरी सुना दे अब तू मुझे, क्योंकि मेरे जो कान है ना, वो तरस गए हैं खुशखबरी सुनने को। यार मटरू, खुशखबरी में एक प्रॉब्लम अड़ गई। यार क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे बता दो सही। देख, मेरी धड़कन तेज हो गई, माई हार्ट बीट इज सो एक्सप्रेस। यार प्रॉब्लम ये है, लड़की का बाप बोला कि मटरू तो हमें पसंद है, मगर मगर क्या यार, जल्दी बता जल्दी। देख मुझे है ना बुखार भी हो गया है। पता है वो क्या बोला? बोला कि मैं अपनी लड़की की शादी उससे तब करूंगा जब उसके पास 15 लाख रुपए होंगे। यार मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा, वैसे मेरे पास 5,000 रुपए तो पड़े हैं यार।
तो फिर मटरू मेरे भाई मेरे को माफ कर दे, ये शादी नहीं हो सकती, मैं तो चला। अब मैं क्या करूंगा, व्हाट विल आई डू, जमीन तो मैं सारी दारू में पी गया। चल मटरू बेटा ऐसे करते हैं, अपने लोन ले लेते हैं, यही ऑप्शन ठीक रहेगा। लोन वाली कंपनी को फोन करते हैं। हेलो मैडम जी। हेलो सर, बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। मैडम जी, क्या आप कंगाल फाइनेंस कंपनी से बोल रहे हो क्या? जी हाँ सर, मैं कंगाल फाइनेंस कंपनी से ही बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। अरे मैडम जी, आप तो मेरा घर बसा सकती हो घर। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? गुस्सा नहीं मैडम जी, गुस्सा नहीं, यू नो गुस्सा अकल को खा जाता है, एंगर इज ईटिंग माइंड। मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि मुझे शादी के लिए लोन चाहिए, लोन। जी हाँ सर, बताइए आपको कितना लोन चाहिए? अरे मैडम जी, मुझे बस थोड़ा सा लोन चाहिए, ओनली थोड़ा सा। फिर भी सर आपको कितना लोन चाहिए आपको बताना तो होगा। मैडम जी मुझे ओनली 15 लाख, 15 लाख का लोन चाहिए बस। ओके सर, हमारी फाइनेंस कंपनी आपको 15 लाख रुपए का लोन दे देगी। अरे वाह मैडम जी, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। आपको पता है मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और जब मेरे बच्चे बड़े होंगे ना तो वो आपको दुआएं देंगे, दुआएं। ओके सर, पर सर हमारे कुछ फॉर्मेलिटीज है जो आपको पूरी करनी होगी। ओके मैडम जी, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो समस्या। तो सर आपके पास कोई जमीन, प्रॉपर्टी या गोल्ड वगैरह हो जो आपको गिरवी रखना हो? उफ मैडम जी, जमीन तो मैं सारी दारू में पी गया। प्रॉपर्टी हमारे पुरखों के पास कभी थी नहीं, और गोल्ड, गोल्ड तो कभी खरीदने का टाइम ही नहीं पड़ा। तो फिर सॉरी सर, हमारी कंपनी आपको लोन नहीं दे सकती। अरे मैडम जी, वेट वेट वेट, फोन मत काटना मेरा, मेरी बात सुनो। अगर आपने फोन काट दिया ना तो मेरी तो जिंदगी का कनेक्शन ही कट जाएगा मैडम जी। वैसे मेरे पास प्रॉपर्टी में एक फटे वाला धारेदार कच्चा है, उस पे आप लोन दे दोगे? व्हाट, फटे वाला कच्चा, ये भी कोई प्रॉपर्टी है क्या? अरे मैडम जी, इससे ऊपर कोई प्रॉपर्टी होती है क्या? ये जो फटे वाला कच्चा है ना, ये पूरी इज्जत को छुपा कर रखता है, और ये मैं भारी मन से आपको दे रहा हूँ, यानी मेरी पूरी इज्जत दे रहा हूँ आपको। सॉरी सर, हमारी कंपनी कच्चे पे लोन नहीं दे सकती, आपको लोन नहीं मिल सकता। अरे मैडम जी, कच्चे पर लोन देने से आपका भी तो फायदा है, आप भी तो ग्रोथ करोगी। सर मैंने आपको आखिरी बार बोल रही हूँ कि हमारी कंपनी कच्चे पे लोन नहीं देती, कच्चा तो सिर्फ 50-60 रुपए में मिलता है बाजार में। तो मैडम जी फाइनली आप ऐसा करो, मुझे लोन मत दो, आप है ना मेरे से शादी कर लो, मुझे लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुप, बदतमीज बंदर कहीं का। कोई मुझे भाई बताएगा कि ये शादी कोई खतरनाक आइटम होता है क्या? हाँ
ये सब क्या है मैडम जी, चलो उठो यहाँ से, मैं पहले से ही लेट हो रहा हूँ। लेट हो रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ? एक काम कर, 1000 रुपए निकाल और निकल यहाँ से। 1000 रुपए? मगर किस बात के? मेरा टोल टैक्स और क्या? नहीं समझा तो मैं तुझे समझाती हूँ। इस रास्ते से जो भी गाड़ी निकलती है ना, वो मुझे 1000 रुपए टोल टैक्स दे के निकलती है। अगर तू चाहता है कि तेरी गाड़ी भी इसी रास्ते से आगे जाए तो तुझे मुझे टोल टैक्स के रूप में 1000 रुपए देना होगा। सिंपल सी बात। अरे मैडम, ये तो सरासर दादागिरी हुई। मैं नहीं देता तुम्हें कोई 1000 रुपए। तो फिर ठीक है, अपनी गाड़ी वापिस ले जा। अरे ओ मैडम जी, ये सड़क तुम्हारे बाप की है क्या जो तुम जबरदस्ती रुपए मांग रही हो? ए मिस्टर, मुंह संभाल के बात कर, सड़क तो तेरे बाप की भी नहीं है। लड़की बड़ी नमकीन है, अगर ये मेरे जाल में फंस जाए तो मजा ही आ जाएगा। ए मिस्टर, क्या सोच रहा है? चल निकाल 1000 रुपए। मैडम जी, 1000 रुपए तो मैं आपको दे दूंगा, मगर। मगर क्या? मगर मेरा मतलब, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैडम जी, आप मेरी फिल्म में काम करोगी क्या? वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आपका हौसला और दादागिरी देख के मेरे मन में विचार आया है कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए, आप मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर मुझे एक्टिंग करने तो आती नहीं। अरे आप फिक्र क्यों करती हो, एक्टिंग तो मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा, 2 मिनट में। तो फिर मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सबसे पहले कॉल करके आती हूँ, मैं हीरोइन बनने जा रही हूँ, ये खुशखबरी मेरी माँ को तो मिलनी चाहिए ना, आप अभी वेट करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप करो कॉल। लगता है चिड़िया जाल में फंस गई। तो चलो जी, सिखाओ मुझे एक्टिंग। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें फिल्म का एक रोमांटिक सीन समझाता हूँ। मान लो मैं हीरो हूँ और तुम हीरोइन, हीरोइन हीरो के गले में बाहें डालती है। चलो तुम रिहर्सल करके बताओ। अरे वाह वेरी गुड। अब दूसरे सीन में हीरोइन हीरो के कंधे पे सर रखती है, चलो रख के बताओ। अरे वाह, तुम तो कितना परफेक्ट करती हो। तीसरे सीन में, तीसरा जो रोमांटिक सीन होगा, उसमें हीरोइन हीरो के हाथों में हाथ डालती है। अरे वाह, तुम तो एक्टिंग सीख गई, तुम पास हो गई। ऐसे करो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना सुबह, बाकी की रिहर्सल मैं तुम्हें वहीं करवाऊंगा, ठीक है? ओ मेरे हीरो, जरा हम दोनों की फोटो तो देखता जा। फोटो? कैसी फोटो? अरे बताती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? आ बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास।
हम दोनों की प्यार भरी फोटो। अच्छी है ना ये वाली, देख। ये फोटो कब खींची? जब तू मुझे हीरोइन बनने के सपने दिखा रहा था तब। अरे इन्हें अभी डिलीट करो। नहीं जी मेरे हीरो, अभी तो ये मार्केट में लॉन्च होगी, और ये जो तुमने मुझे अपने ऑफिस का कार्ड दिया है ना, अभी तो तुम्हारे ऑफिस में भी सब ये फोटो देखेंगे, और तुम्हारे ऑफिस से ही तो मुझे तुम्हारे घर का एड्रेस मिलेगा, तो तुम्हारे घर पे भी तो मुझे ये फोटो सेंड करनी है, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई बहन, यहाँ तक कि शायद तुम्हारी बीवी होगी ना, उसे भी तो फोटो देखनी है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इन फोटो को डिलीट कर दो। कर दूंगी, पर सबसे पहले एक काम कर, जल्दी से ना चैन, अंगूठी, घड़ी और अपना पर्स निकाल के मुझे दे दे, जल्दी कर जल्दी। चैन 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 निकाल फटाफट। मेरा पर्स तो गाड़ी में है। कोई बात नहीं, एक काम कर, गाड़ी की चाबी दे मुझे। ये लो, अब तो डिलीट कर दो। ठीक है कर दूंगी, इतनी भी जल्दी क्या है, मुझे हीरोइन बनाने चला था, हीरोइन के सपने दिखाने, देख ये ले कर दी डिलीट, खुश है, चल भाग यहां से। Ha 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 ha!